नमस्कार, मैं रेशम अंबादास वीएसआरएस न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश के विभिन्न राज्य में आतंकवाद के मामले दर्ज आरोपी सईद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को 1998 के हैदराबाद षड्यंत्र मामले में हैदराबाद के एक कोर्ट ने बरी कर दिया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीन की कोर्ट ने टुंडा को सबूतों के आधार पर ये फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष के वकील के सैफुल्ला ने संवाददाताओं को बताया कि कोर्ट ने उनके क्लाइंट को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, लेकिन टुंडा लश्कर ए तोयबा का संदिग्ध सदस्य और बम बनाने में विशेषज्ञ टुंडा 1998 सलीम जुमेद मेटुल मामले में आरोपी है, जिस पर हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन की विशेष जांच टीम SIT ने मामला चलाया था। टुंडा को 77 को केंद्रीय एजेंसियों ने 2013 में भारत नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था। बता दें कि गाजियाबाद जेल में बंद टुंडा पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। टुंडा ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण दिया था। एक पाकिस्तानी नागरिक जुनेद के साथ उसने कथित रूप से 1998 में गणेश उत्सव के दौरान आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, हैदराबाद।